क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनो और अपने इनको ख्याल रखो और अपनी बूटन ने बचाए रखो। देसी देख पिगर ब्रेक फगे लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में, क्योंकि सारी विरोधी पार्टी बसपा की बूटन पर नजर बनाए हुए है। सब अलग अलग हथकंडा अपना रहे, कोई कछु अपना रो और कोई कछु अपना रो, और बहुत मीठी 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 बात कर रहे हैं, और सेहत पे भी ज्यादा मीठी बात कर रहे हैं। इतनी मीठी बात कर रहे हैं कि जैसे हमेशा से ही दिल के करीब रखे हैं सगरे बहुजन समाज वाले। हाय हाय हाय, बिल्कुल सुख चैन वाली बात कर रहे हैं। इनकी बातें मैं बता दी, और जो आगे तो फिर ना रे वो बांस ना बजेगी बांसरी, ऐसी कहावत जो है वो कहीं ऐसी सत्य ना है, या कुदरत करे कभी ऐसा हो ही ना। इनसे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप खबर पे गुआ जाओगे तो ही एक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात, जैसे बस में लिखी रही है ना, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ऐसे ही बहुजन समाज के सारे लोग अपने वोट की रक्षा स्वयं करें। वोट खामो खामे इंगे ते उंगे ना है जा, कभी फिर पछताने को भी मौको ना मिले। मेरो कहने को मतलब सिर्फ इतनो, मेरी बात बुरी लगी हो तो वो वापस दे दियो, मैं अपनी बात को जिम्मेदार धर लेंगो, और अगर सही हो तो दिल में बसा लेंगू। खबर को शुरू कर रहा हूँ, आ जाओ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोमवार को मीडिया से बात करी। या दौरान पहले उन्होंने चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाने की मांग रखी। या के बाद उन्होंने मेयर पद के नैया अतीक अहमद के परिवार को टिकट देने के सवाल पर एक बड़ो ऐलान कर दियो है। दरअसल चुनाव के ऐलान के बाद अटकलें चल रही हैं कि बीएसपी अतीक अहमद के परिवार को प्रयागराज के मेयर को टिकट दे सके, लेकिन इन अटकलन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने विराम लगा दियो। उन्होंने कही कि बीएसपी अतीक अहमद की पत्नी या उनके परिवार के कई सदस्य की टिकट नहीं देगी, काई को भी टिकट नहीं देगी। उन्होंने कही कि बीएसपी चुनाव को स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी ईवीएम से चुनाव नहीं करवाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए या कि नहीं है वो चाहवे है। हालांकि आते पहले कही जा रही कि अतीक अहमद के भाई की पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सके है। उमेश पाल अपहरण केस में बरी हुए अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब को प्रयागराज से बीएसपी मेयर को चुनाव लड़ाना चाहते है। जैनब परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। पहले अतीक अहमद की पत्नी साहिस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा ही, लेकिन बाद में देवरानी जैनब को चुनाव लड़ाने को ऑफर बीएसपी की ओर से मिलने की चर्चा तेज है गई। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में परिवार के ज्यादातर लोगों को नाम आयो है, या मैं अतीक की पत्नी साहिस्ता परवीन पर साजिश रचने को आरोप लगो है, या के बाद उनकी तलाश यूपी पुलिस हत्याकांड के बाद कर रही है, या वजह से साहिस्ता की जगह जैनब को टिकट को ऑफर करे जाने की चर्चा चल रही है। आगे क्या होगो, टिकट दियो जागो या नहीं दियो जागो, कि बसपा सुप्रीमो के ऊपर बिल्कुल फाइनल है, लेकिन अभी तक जो चर्चा ही वो हमने आपको बताई। तो ये बात तो निश्चित है कि अगर टिकट मिलेगा तो कहीं ना कहीं वागो एक वह क्षेत्र में जो सहानुभूति रखते होंगे इनके परिवार दे, वाकि सहानुभूति मिलेगी, और मिलेगी तो सीट लगने के चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो को सब कछु देखना, चूंकि पूरे देश में ही लगभग इलेक्शन होना 24 में, तो वो भी हिसाब किताब देखनो, और ये उत्तर प्रदेश को भी देखनो, तो सब कुछ देखने के बाद सो समझने के बाद बसपा सुप्रीमो फैसला करेंगी। लेकिन अभी तक जो चर्चा चल रही वो हमने आपको बताई। नई खबर में बहुत जल्दी फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के रहिए देसी ब्रेक बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।